करीब 3 साल की तनातनी के बाद अब चाचा भतीजे यानी SP प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सुलह के संकेत मिलने लगे हैं। ये संकेत ऐसे समय में मिल रहे हैं जब ये खबर सामने आई कि अखिलेश अपने चाचा की विधानसभा सदस्यता खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की ओर से शिवपाल की SP में घर वापसी की संभावना के संकेत मिलते ही ये सवाल भी उठने लगे कि क्या अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल की अहमियत समझ में आ गई है। तो क्या शिवपाल की शरण में आने से ही होगा अखिलेश का कल्याण? जानकारों की माने तो लगातार 3 बड़े चुनावों में मिली करारी हार के बाद अखिलेश के सामने अपनी पार्टी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। एक एक कर SP नेता साथ छोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में कई राज्यसभा सदस्यों ने SP का साथ छोड़कर BJP का दामन थाम लिया है। ऐसे में अखिलेश दोबारा से पार्टी को मजबूत करने में लग गए हैं और यही वजह है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां भी मिटने लगी हैं। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि पिछले 3 सालों में अखिलेश ये समझ गए होंगे कि बातें बनाने और सियासत करने में काफी फर्क होता है। हो सकता है बीते 3 सालों में उनका अपने दूसरे चाचा रामगोपाल यादव के प्रति भरोसा कुछ कम हो गया हो और इसीलिए वो चाचा शिवपाल की ओर खींचने लगे हों। सब जानते हैं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच जो दूरियां बढ़ी थी उसमें रामगोपाल का अहम रोल था। रामगोपाल और शिवपाल के बीच की दूरियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद से शिवपाल खुद चुनाव लड़ने मैदान में कूद पड़े थे, जिससे अक्षय को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त था जब UP की सियासत में 2014 से पहले तक SP कुनबे का डंका बजता था। SP के बैनर तले पूरा कुनबा एकजुट खड़ा नजर आता था। मुलायम कुनबे के मुखिया थे तो शिवपाल यादव उनके हाथ पैर हुआ करते थे। दोनों भाइयों ने अपने दम पर SP का गठन कर उसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था। इस सफर में कई और साथी थे जो अखिलेश के हाथों में कमान आते ही पार्टी से किनारा करने लगे। पार्टी की हालत ऐसी हो गई कि उसे लोकसभा चुनाव में अपने सियासी दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ा, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि अखिलेश को अब अपने चाचा की अहमियत समझ में आने लगी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।